भारत के साथ आजाद हुए कितने ही देश हमसे आगे निकल गए, हम क्या किसी से कम थे? फिर कमी कहां थी? कमी उस सरकार में थी जिसने भारतीयों के सामर्थ्य पर भरोसा नहीं किया। साथियों, देश आजाद हुआ तो भारत दुनिया की छठी बड़ी अर्थव्यवस्था था, हम दुनिया में नंबर 6 पर थे और 2014 में जब कांग्रेस गई और हमें जब सत्ता सुपुर्द की तब देश की अर्थव्यवस्था 6 नंबर से 11 नंबर पहुंच गई थी। ये इन्होंने काम करके गए हैं। और जब से आपने इस सेवक को काम दिया, 10 साल में आज देश दुनिया की 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बन करके खड़ा है। आज भारत में, मुंबई में रिकॉर्ड इन्वेस्टमेंट आ रहा है और मेरी गारंटी है कि कुछ ही सालों में जब मैं आपके बीच आऊंगा तो हम दुनिया की तीसरी बड़ी आर्थिक ताकत बन चुके होंगे। साथियों, मोदी के पास 10 साल का रिपोर्ट कार्ड है और 25 साल का रोड मैप भी है और दूसरी तरफ इंडी गठबंधन वालों के पास क्या है? जितने लोग उतनी बातें, जितने दल उतनी घोषणाएं और जितने दल उतने प्रधानमंत्री। कांग्रेस के माओवादी मैनिफेस्टो में जितनी घोषणाएं हैं अगर उनका हिसाब लगाएं तो देश दिवालिया हो जाएगा। इनकी नजर हमारे मंदिरों के सोने पर है, इनकी नजर महिलाओं के मंगलसूत्र पर है। इन लोगों ने 50% इनहेरिटेंस टैक्स का आइडिया फ्लोट किया है, यानी आप अपने बच्चों को अपनी विरासत नहीं दे पाएंगे। आपने कितनी मेहनत करके कितना ही कमाया हो, इकट्ठा किया हो, आधा ये सरकार छीन लेना चाहती है, आपको बच्चों को नहीं देने देगी। ये आपकी प्रॉपर्टी का एक्सरे करके अपने वोट बैंक को, जो वोट जिहाद करते हैं ना, उनको देने के लिए वो निर्णय कर चुके हैं। साथियों, ये इनके इरादे बड़े खतरनाक है। कांग्रेस के लिए ये अस्तित्व बचाने की लड़ाई है, वो किसी भी हद तक जा सकती है। साथियों, मुंबई तो भारत का इकोनॉमिक पावर हाउस है। आप देखिए, 10 साल पहले शेयर बाजार कहां था और आज कहां है। आज देश के लाखों लाख छोटे छोटे निवेशक बाजार से जुड़े हैं। दुनिया के 4th लार्जेस्ट स्टॉक मार्केट पर देश दुनिया का भरोसा बढ़ता जा रहा है। इंडिया गाड़ी वाले
जो साजिश रच रहे हैं उसका एक मकसद इस भरोसे को भी तोड़ना है। मैं आपको सावधान कर रहा हूं, कांग्रेस और इंडिया गाड़ी की माओवादी इकोनॉमिक्स मुंबई के पहिए ही जाम कर देगी दोस्तों। मैं कल्पना करता हूं कि इनकी सोच देश के लिए कितनी बड़ी भयंकर आर्थिक स्थिति पैदा कर सकती है। साथियों, मुंबई चैत्य भूमि से प्रेरणा पाती है, ये भी हमारी सरकार है जिसने चैत्य भूमि सहित देश दुनिया में बाबा साहब के पंच तीर्थ विकसित किए हैं। साथियों, शिव तीर्थ की इस भूमि में यहां कभी बाबा साहब ठाकरे और वीर सावरकर की हुंकार गूंजी थी, लेकिन आज विश्वासघाती अघाड़ी को देखकर उनकी आत्मा को कितना दुख होता होगा। ये नकली शिवसेना वाले, इन्होंने बाला साहब को धोखा दिया, इन्होंने शिवसैनिकों के बलिदान को धोखा दिया। सत्ता के लिए ये राम मंदिर को गाली देने वालों के साथ चले गए, सत्ता के लिए ये मुंबई हमले के बाद पार्टी कर रहे लोगों के साथ चले गए। जो कांग्रेस दिन रात वीर सावरकर को गालियां देती है आज उसकी गोद में बैठे हैं। और मैं एनसीपी के नेता को चुनौती देता हूं, आप राहुल से बयान करवाइए, को जीवन में कभी भी वीर सावरकर का अपमान नहीं करेगा। जब एक बयान करवा दीजिए, अभी उन्होंने चुनाव है इसलिए चुप करवाए, ताला मारा है उसको, लेकिन जरा बुलवा दीजिए अखबार कि मैं जीवन भर वीर सावरकर के खिलाफ एक शब्द नहीं बोलूंगा, जरा एक बार बुलवा लीजिए उनको। वो नहीं कर सकते क्योंकि उनको पता है चुनाव खत्म होते ही फिर से वीर सावरकर को गालियां देना शुरू करने वाले हैं।